देश में लोकसभा चुनावों का शोर है, लेकिन इसमें छात्र संघ चुनावों का भी शोर नजर आ रहा है। पूरी जेएनयू राजनीतिक रंग में डूबी हुई है। ढपली और ढोल की आवाजों के बीच रह रहकर नारे सुनाई दे रहे हैं। जय श्री राम के नारों में लाल सलाम की धुन भी घुल रही है। हवा में लहराते भगवा झंडों के ठीक बगल में जय भीम के नारे और हाथ में नीला झंडा भी है, और जय मंडल जय समाजवाद की गूंज भी, जो ये दिखा रही है कि कैसे छात्र संघ चुनाव अपनी मौजूदगी पूरे देश में दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि पूरे 4 साल बाद जेएनयू में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में काफी उत्साह है, जहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच होने वाली खुली बहस देखने को मिल रही है। ये चुनाव वैसे तो कई पदों के लिए कराया जाता है, पर हर बार सबसे ज्यादा चर्चा सेंट्रल पैनल के उम्मीदवारों को लेकर होती है। इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने जाते हैं। फिलहाल हाल ही के सालों में जेएनयू की छात्र राजनीति 2 ध्रुवों में बट गई है। एक तरफ वाम दलों से जुड़े छात्र संगठन हैं, जिनका जेएनयू में दबदबा है, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी है, जो अपना पांव जमाना चाहती है। एबीवीपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वामपंथी विचारों की छात्र राजनीति करने वाले संगठन, जो कभी एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते थे, अब संयुक्त तौर पर चुनाव लड़ने लगे हैं। इसलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस के बीच मुकाबला हो रहा है। दरअसल संगठन खुद को संयुक्त वाम गठबंधन कहकर पुकारते हैं। गठबंधन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आईसा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन यानी DSF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF, जैसे छात्र संगठनों का एक साझा मंच है, जिसका असल मुकाबला ABVP से होना है। वहीं आखिरी बार 2019 में जब ये आमने सामने थे, तो लेफ्ट पैनल से जुड़े छात्र संगठनों की जीत हुई थी। एबीवीपी के उम्मीदवार 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन क्या इस बार वो अव्वल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जेएनयू छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनावी भाषण आकर्षण का केंद्र रहता है। ये डिबेट इस बार बुधवार 20 मार्च को हुई, जिसमें सभी का काफी उत्साह देखने को मिला। काफी दिलचस्प ये डिबेट रही, जबकि 22 मार्च शुक्रवार को वोटिंग और 24 मार्च यानी रविवार को मतगणना होगी। डिबेट से पहले जेएनयू की चुनाव समिति ने केंद्रीय पैनल के 4 पदों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। संयुक्त वाम गठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए धनंजय को मैदान में उतारा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उमेश चंद्र अजमीरा पर दाम लगाया है। बिहार के गया के रहने वाले धनंजय फिलहाल जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में PhD के छात्र हैं। शुरुआत जीवन में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले धनंजय की ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। धनंजय आयसा से जुड़े हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान FYUP प्रोग्राम यानी ग्रेजुएशन के लिए लाए गए 4 साल के पाठ्यक्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले छात्रों में शामिल रहे हैं। वहीं तेलंगाना के वारंगल जिले के रहने वाले उमेश चंद्र अजमीरा ABVP की तरफ से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। वे आदिवासी बंजारा यानी अनुसूचित जनजाति समुदाय की पृष्ठभूमि से आते हैं और JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में शोधार्थी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवोदय विद्यालय से शुरुआती पढ़ाई करने वाले अजमीरा का परिवार नक्सल हमलों का शिकार रहा। 1997 में उमेश के पिता सीतारमन नायक अजमीरा की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उमेश की माता इस ट्रॉमा को झेल नहीं पाई और बाद में उनका भी निधन हो गया। फिलहाल इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और इस बार कड़ा मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 साल बाद जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। आखिरी बार साल 2019 में जेएनयू में छात्र संघ चुनाव आयोजित हुआ था। इसके बाद लगातार COVID-19 महामारी, दूसरे कुछ मामलों की वजह से जेएनयू प्रशासन ने चुनाव नहीं कराया। 4.5 साल पहले सितंबर महीने में हुए चुनाव में कुल 67.9% वोट पड़े थे। ये 2012 के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत था, जिसमें कुल 5,762 के करीब छात्रों ने वोट डाला था। चुनाव परिणामों में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की आयशी घोष अध्यक्ष पद पर चुनकर आई थी। आयशी घोष को 2,313 वोट मिले थे।
आईसी ने एबीवीपी के मनीष जांगीर को 1000 से भी ज्यादा वोट से हराया था, जिन्हें 1128 वोट हासिल हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार एबीवीपी जीत पाएगी, क्या उसका सूखा खत्म हो पाएगा, क्योंकि साल 2015 के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की थी। ये वही साल था जब चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। 2015 में एबीवीपी के सौरभ शर्मा ने आईसा के प्रत्याशी को 28 वोटों के करीबी अंतर से हराया था। इस जीत के बाद एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल में 14 साल बाद वापसी की थी। इससे पहले साल 2000 में एबीवीपी के संदीप महापात्रा अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके बाद 23 साल गुजर चुके हैं और इन 23 सालों में एबीवीपी जेएनयू के सेंट्रल पैनल में सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीत पाई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते सालों में एबीवीपी जेएनयू में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन क्या ये मजबूती जीत में बदल पाएगी, यानी जीत में तब्दील हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।